नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स IRM एनर्जी लिमिटेड। इस स्टॉक का प्राइस आफ्टर ए बेस फॉर्मेशन ब्रेकआउट ऑलरेडी कर दिया था, जो कि प्रीवियस वीडियो में हम एनालिसिस किए थे, एंड फाइनली प्राइस देखिए अभी पुल बैक कर रहा है। अगर सपोर्ट के आसपास आ जाएगा फिर से फ्रेश एंट्री का अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। तो किस टाइप का सेटअप बन रहा है, क्या टारगेट बनेगा, डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज यूजुअल किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या एनालिसिस करने से पहले आपको पता होना चाहिए उस स्टॉक का सेक्टर क्या है और इंडस्ट्री क्या है। देखिए, स्टॉक का जो सेक्टर है गैस डिस्ट्रीब्यूशन का, जैसे कि गेल हो गया, MGL महानगर गैस हो गया, ये सारा स्टॉक मल्टीयर का ब्रेकआउट कर दिए हैं। इसका मीनिंग है कि ये जो सेक्टर है ना अभी आउट परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी हाई है कि अगर सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है उसके रिलेटेड स्टॉक भी आउट परफॉर्म कर सकता है, जो कि आगे हम चार्ट में एनालिसिस करेंगे। अगर इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे 2341 करोड़ का, कंपनी के पास रिजर्व कैश है 346 करोड़ का, बुक वैल्यू है 91.7 एंड करंट प्राइस चल रहा है 570 एंड इंडस्ट्री पी है 18, स्टॉक का पी यहाँ पे थोड़ा सा हायर चल रहा है अगर कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री पी के आसपास 42 के आसपास। अगर डेप्ट टू इक्विटी देखेंगे 0.92, जो की मैनेजेबल है, किसी भी स्टॉक का डेप्ट टू इक्विटी बिलो 1 आप उसको मैनेजेबल कंसिडर कर सकते हैं। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स का ग्रोथ देखेंगे लगभग फ्लैट है, नेट प्रॉफिट का ग्रोथ भी फ्लैट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर जाएंगे, मेजोरिटी होल्डिंग बिग इन्वेस्टर के पास है, जैसे कि देखिए प्रोमोटर यहाँ पे होल्डिंग कर रहे 50%, FI के पास माल है 1%, DI होल्ड कर रहे 13% एंड पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे 36%, लेकिन 36% से लगभग यहाँ पे 25% होल्ड कर रहे बिग इन्वेस्टर जिनके पास है होल्डिंग 1% से ऊपर, क्योंकि किसी भी स्टॉक का होल्डिंग अबव 1% शेयर होल्डिंग पैटर्न में नाम आ जाएगा। देखिए पब्लिक होल्डिंग में यहाँ पे 36% है, लेकिन उसमें से यहाँ पे 25% बिग इन्वेस्टर होल्ड कर रहे हैं, तो रिटेल के पास कितना माल है, ओनली 11%। किसी भी स्टॉक में रिटेल पार्टिसिपेशन बिलो 20% आप उसको मैनेजेबल बोल सकते हैं, एंड यहाँ पे तो 11% होल्ड कर रहे हैं, जो कि पॉजिटिव साइन है। अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं किस टाइप का प्राइस स्ट्रक्चर शो कर रहा है। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने देखिए जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन है IRM एनर्जी का, टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है डेली। देखिए स्टॉक का प्राइस के लिए एक मेजर सपोर्ट जो बन रहा है वो बन रहा है नियरली 440 के आसपास। देखिए स्टॉक का प्राइस यहां पे लिस्ट होने के बाद जब भी देखिए जो 440 लेवल जो कि आज का जो मेजर सपोर्ट, इसी बाउंड्री को जितना बार भी टेस्ट किया है यहां से देखिए बाइंग देखने को मिला है, एंड लास्ट देखिए प्राइस यहां पे टेस्ट करने के बाद एक रेंज के अंदर कंसोलिडेशन हुआ था और यहां पे ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट करने के बाद देखिए हाई क्रिएट किया था नियरली 640 का, एंड अभी करंट प्राइस चल रहा है 570। आज पर तो प्राइस एक्शन, अगर प्राइस कभी भी कोई भी एक मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर लेता है, जो कि प्रीवियसली था 510 के आसपास ये लेवल था देखिए मेजर रेजिस्टेंस, एंड इसको ब्रेकआउट करने के बाद अगर प्राइस पुल बैक करेगा ना, जो 510 लेवल अभी के लिए आता है सपोर्ट। अगर ये स्टॉक आपके पास है आपको होल्ड करना चाहिए, अगर फ्रेश एंट्री करना चाह रहे, अगर स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 510 के आसपास आएगा यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो आने वाले टाइम में जब प्राइस इस टाइप का हायर है फॉर्मेशन जो कि है RRR स्ट्रेटेजी इस टाइप का सेटअप क्रिएट करेगा तो आप वहां पे ऐड कर सकते हैं, जैसे ही स्विंग हाई को ब्रेक करेगा। एंड RRR स्ट्रेटेजी क्या है उसी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार उसी वीडियो को देख लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी हाई है कि आइदर 510 से बाउंस करेगा, नहीं तो हायर हाई फॉर्मेशन के बाद आप फ्रेश अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, जिनके पास है होल्ड करना चाहिए, एंड आने वाले टाइम में जो टारगेट बनेगा टारगेट मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन को, क्योंकि लाइफ हाई के ऊपर कोई भी सप्लाई डिमांड लेवल अवेलेबल नहीं है, वहां पर टारगेट मेजर करने के लिए हम फिबोनाची एक्सटेंशन को यूज करते हैं। जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा 1.600 का फिबो एक्सटेंशन लेवल 720, प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में 720 लेवल को प्राइस टेस्ट कर सकता है, उसी हिसाब से क्वांटिटी को एंड रिस्क को मैनेज कीजिएगा। मैं आशा करता हूं आप डिटेल एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।